Now I would like to call upon Chaudhry Mohammed Zahoor. मैं इनको बुलाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपने मेहमानों का इतना मुख्तसर जो तारुफ करा रहे हैं उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी अहलियत में या काबिलियत में कोई कमी है, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनकी पूरी तरह से तारीफ जो है वो बयान की जा सके। चौधरी मोहम्मद जहूर साहब चीफ अकाउंटेंट हैं और कम्युनिटी के लिए इनकी कंट्रीब्यूशंस काबिले कदर हैं, जो दरख्वास्त की जाती है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, साकी साहब आपने जो सबसे पहले जो बात की थी, मैं तो पहली कैटेगरी का आदमी था जो कि महफिल में कहीं पीछे बैठ जाना साहब नीचे रख के, तो आज आपने मुझे इस तरफ खड़ा कर दिया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और लेट्स होप कि नेक्स्ट टाइम भी शायद ये मौका मिलता रहे। आज 100 जो एडिशन है उसके लिए शाह साहब को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके कुलीग को भी। तो जो भी उनकी इंफॉर्मेशन न्यूज़ में आती है वो फैक्ट पर मबनी होती है, इसके अलावा उसका जो फीचर्स हैं वो पढ़ने के काबिल होते हैं, और इसके अलावा सबसे ये है कि वो इंफॉर्मेटर होते हैं। फर्दर मेरी इनसे एक ही दरख्वास्त होगी कि आप अपने अखबार में थोड़ा या ये सिर्फ सोचें कि जब तक तालीम नहीं होगी उस वक्त तक हमारी एशियन और ख़ासकर जो मुसलमान कम्युनिटी है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आजकल हमारा हाल ये है कि आप किसी एजुकेशन अथॉरिटी से पूछें कि जो मुसलमान बच्चे हैं वो सबसे पीछे हैं। आप थोड़ी सी इस पर तवज्जो दें कि शेफील्ड या बाकी जगह में अच्छे स्कूल कौन से हैं, बच्चे वहाँ किस तरीके से जा सकते हैं, वालदैन का क्या रोल है, उनको किस तरीके से ये मेक श्योर करें कि उनके बच्चे पढ़ें। तो उससे जो आपकी जो खिदमत होगी या आपको जो दुआएं इंशाल्लाह मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि भाई जो अपने मौलवी हजरात हैं वो भी थोड़ा सा ये सोचें, क्योंकि अभी माह रमज़ान आ रहा है, इसके बाद ईद भी है, कि जिस मुल्क में हम रहें उस मुल्क का भी थोड़ा बहुत जो कानून है उसका सोचें, क्योंकि ये इस्लाम में काफ़ी दफा कहा जा चुका है जब 2, 3 या 4 ईदें होती हैं अगर आप किसी स्कूल में जाए तो उसका हेड टीचर हंस के कह रहा होता है आपकी ईद कब है, 4 ईदें। अच्छा, 4 अगर 4 है तो फिर 4 दिन वो हंसेंगे। तो आप थोड़ा सा ये ख्याल रखें, ये शाह साहब आप इस पर ज़रूर गौर करें। आपका असर सुख भी है, हमारी तो बात कोई सुनता नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर आप इस्लाम के लिए या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए थोड़ा बहुत काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो पॉजिटिव होगा। आखिर में सेक्रेटरी साहब से मैं यही अर्ज करूँगा कि लेडीज़ के मुतालिक तो आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ मर्दों की तरफ जो है वो कौंसलर शफाक साहब बैठे हैं, वो लिब डेम के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, इसके अलावा मारूफ साहब काउंसलर्स हैं, उनका आपने नाम ले लिया, तो ये जरूर ख्याल रखें कि यहाँ मर्द जो आते हैं उनका भी थोड़ी बहुत हैसियत है।